जय श्री राम। आज जानते हैं कैसे योग के बारे में, जो यदि आपकी पत्रिका में हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में आपको सहयोग मिलता है। आइए जानते हैं क्या है योग। इस योग का नाम है अस्त्र योग। कुंडली में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इसे। कंपटीशन के लिए, रोग, रिपु और ऋण के लिए हमारे पास छठा भाव होता है, और कंपटीशन या जीवन में कितनी स्पर्धा होगी उसके लिए भी छठे भाव का विचार किया जाता है। नॉर्मली छठा भाव बलि हो तो कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता, परंतु यदि आप कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो उसमें ये योग बहुत हेल्पफुल है। अस्त्र योग बनता कैसे है? अस्त्र योग छठे भाव से बनता है। जैसे मैंने बताया, छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली के शुभ भावों में, यानी कि केंद्र अथवा त्रिकोण में, बलि अवस्था में हो। अब ग्रह बलि कब होता है? जब वो मित्र क्षेत्री हो, वो स्वक्षेत्री हो, वो उच्च का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो, तो ये हम उसको बलि कहते हैं। तो अगर केंद्र त्रिकोण में छठे भाव का स्वामी बैठा हो और बलि अवस्था में हो, तो ये दर्शाता है कि जातक की कुंडली में अस्त्र योग है। और अगर अस्त्र योग है तो स्ट्रगल को ओवरकम करके, कंपटीटिवनेस को, कंपटीशन को ओवरकम करके, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं इस योग। ये पत्रिका है 27th of December 1964 की। जन्म समय है 9:30 और जन्म स्थान है वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। अब इस पत्रिका में इस जातक का लग्न सिंह है। लग्नाधिपति पंचम भाव में, पंचमाधिपति नाइन्थ हाउस में और नवमाधिपति लग्न में, यानी तीनों ने अपने घरों में एक्सचेंज किया है, विच इज क्वाइट रेयर योग। काफी दुर्लभ होता है किसी एक ही पत्रिका में तीनों त्रिकोण के स्वामी अलग अलग त्रिकोण में बैठते हैं। अभी हम यहाँ पर अस्त्र योग की बात करते हैं। पत्रिका में छठे घर का स्वामी है शनि, वहां पर मकर राशि है, उसका स्वामी शनि सप्तम भाव में स्वराशि का विराजित है, यानी केंद्र में भी है और बलि भी है। ऐसी अवस्था में स्ट्रगल के साथ अचीवमेंट या कंपटीटिव एग्जाम्स में सक्सेस के कॉम्बिनेशन इस चार्ट में अधिक है। ये चार्ट एक आईएएस अधिकारी का है। तो जिस तरह से इस कुंडली में हमने देखा, कभी भी छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली के केंद्र त्रिकोण में बलि अवस्था में हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसके साथ साथ यदि कुंडली में लग्नेश और बाकी भाव भी बले हो तो क्या कहने, अन्यथा इतना तो आवश्यक है कि ये उसमें सहयोग करे। आशा करता हूँ ये छोटा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय श्री राम।